जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि आज कौन कौन सी तमाम खबरें दुर्ग में सुर्खियों पर रहने वाली हैं। जी सुबोध जी। अच्छा जी, बड़ी बात है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और उसी परिप्रेक्ष्य में अब दुर्ग संभाग में एक बहुत बड़े स्तर पर संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन आज दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में किया जाने वाला है। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, स्टेज सज चुके हैं, कुर्सियां लग चुकी हैं। मैं जहां खड़ा हूं यह वही कार्यक्रम स्थल है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कुर्सियां लग चुकी हैं और करीब 150 से 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद है। और अगर स्टेज की बात करें तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं स्टेज का जो जो सजावट है वह काफी नैना भी राम है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये स्टेज का वो रूप है, विहंगम दृश्य जिसे बोला जा सकता है, कि भारतीय जनता पार्टी ने जो तैयारी करी है कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए। खासकर नव निर्वाचित जो मुख्यमंत्री हैं वे यहाँ पर 25,000 से भी ज्यादा की संख्या में जो कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे उन्हें संबोधित करेंगे। और साथ ही लोकसभा चुनाव का बिगुल भी इसी दौरान यहाँ से फूंका जाएगा। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव जीतने के लिए तैयारी की गई थी उसी तरीके से अब लोकसभा चुनाव को जीतने की कवायद भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ से शुरू कर दी जाएगी और आज से दुर्ग संभाग में बिगुल फूंका जाएगा। बताया जा रहा है कि यहाँ से बेमेतरा, कवर्धा, बेरला, राजनांदगांव और अन्य जो की जिले हैं यहाँ से लगे हुए हैं जो संभाग के, वहां से भी लोग आ रहे हैं बड़ी संख्या में। हालांकि कार्यक्रम 2 बजे से शुरू होने को है लेकिन बसों में, गाड़ियों में कार्यकर्ता सुबह से ही आने लगे हैं। धीरे धीरे आसपास के जगहों पर एकत्रीकरण के बाद वे सीधे इस स्थान तक पहुंचेंगे, इस जगह तक पहुंचेंगे। उसके बाद लगभग 3 बजे मुख्यमंत्री साय जी का यहाँ पे आगमन होगा और उनके बाद करीब कुछ जो औपचारिकताएं निभाई जाती है मंचासीन पदाधिकारियों के साथ और देवती उद्बोधन के बाद, तो उसके बाद साय जी यहाँ पे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बड़ी बात है उसे लेकर 24 घंटा पहले ही दुर्ग पुलिस विभाग के द्वारा जो सुरक्षात्मक प्रबंध है वो किए जा चुके हैं। लगभग 1 दर्जन जगहों पर पार्किंग लॉन्च बनाया गया है जहाँ पर चौपहिया दोपहिया वाहन जो की बाहर से आ रहे हैं वो खड़े किए जाएंगे और साथ ही जो लोगों का हुजूम है, आम शहरी जो लोग हैं जो उन्हें सुनना चाहते हैं, इस कार्यकर्ता संभागीय सम्मेलन को देखना चाहते हैं, वे 2 बजे के आसपास इस दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में पहुंचने लगेंगे। जी जी सुबोध जी, आपका तमाम